सो इरेशनल नंबर्स की जो और प्रॉपर्टीज हैं, इरेशनल नंबर प्लस एन इरेशनल नंबर कैन आइदर बी अ रैशनल नंबर और एन इरेशनल नंबर. अब देखो मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है, एक इरेशनल नंबर है रूट थ्री, दूसरा इरेशनल नंबर है माइनस रूट थ्री. इनको अगर हम ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है? जीरो. एंड जीरो इज इरेशनल नंबर. बट लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. इफ इट इज रूट थ्री प्लस रूट टू, तो ये जो आएगा दिस इज अ इरेशनल नंबर. क्लियर? समझ आ रहा है ना? नाउ एक और प्रॉपर्टी, इरेशनल नंबर माइनस एन इरेशनल नंबर कैन अगेन बी अ रैशनल और इरेशनल नंबर. जैसे हम रूट थ्री माइनस रूट थ्री किया, जीरो. जीरो क्या हुआ? रैशनल. रैशनल नंबर है ना जीरो. जीरो बाय वन लिख सकते हैं हम. और वैसे अगर हम रूट थ्री माइनस रूट टू करते तो ये क्या हो जाता? इरेशनल नंबर. फिर इरेशनल नंबर इनटू एन इरेशनल नंबर प्रोडक्ट होगा अगर दो इरेशनल नंबर्स का, इट कैन आइदर बी रैशनल और इरेशनल. इसे फिर से एग्जांपल देखते हैं. 18 इनटू रूट टू, तो 18 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इनटू 3 इनटू 3 फैक्टर्स बना के लिखते हैं ना ऐसे, और इनटू 2, तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाएगा 3 रूट 2 इनटू रूट 2. आया ना समझ? 3 पेयर बन गया तो पेयर बाहर निकल गया, तो ये रूट टू इंटू रूट टू क्या होता है? टू. तो यानी कि थ्री इंटू टू सिक्स. सिक्स क्या है? सिक्स इज अ रैशनल नंबर. सो व्हाट वी फाउंड कि इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट जो होता है वो रैशनल नंबर भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है. जैसे कि इरेशनल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, रूट टू इंटू रूट थ्री, तो रूट सिक्स इज ऑल्सो इरेशनल. ठीक है, तो दोनों हो सकते हैं. अब इरेशनल नंबर डिवाइडेड बाय इरेशनल नंबर, इसमें भी यही है कि आपका रैशनल भी आ सकता है आंसर और इरेशनल भी आ सकता है. जैसे फिर से एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लिया मैंने रूट ट्वेल्व अपॉन रूट थ्री. ठीक है, ये इरेशनल नंबर है रूट ट्वेल्व, इट इज अ इम्परफेक्ट स्क्वेयर. रूट थ्री भी इम्परफेक्ट स्क्वेयर है, तो ट्वेल्व के फैक्टर्स जो बने, टू इंटू टू इंटू थ्री, और ये तो थ्री ही रहेगा. तो दिस कैन बी रिटन एज टू रूट थ्री अपॉन रूट थ्री. रूट थ्री रूट थ्री कैंसिल. टू. टू क्या है? रैशनल नंबर. सो यू हैव टू रिमेंबर दीज प्रॉपर्टीज ऑल्सो. क्या थी हमारी प्रॉपर्टीज जो हमने अभी तक की? एक तो कि नेगेटिव ऑफ अ इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ इरेशनल नंबर. रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर विल बी ऑलवेज इरेशनल नंबर. रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट इरेशनल नंबर होगा. बट जब दोनों ही इरेशनल नंबर्स हैं तो जो उनका सम हो, डिफरेंस हो, प्रोडक्ट हो, डिविजन हो, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट विल बी रैशनल और इरेशनल. ऐसे कुछ फिक्स्ड नहीं है. क्लियर? डोंट वरी, इन प्रॉपर्टीज के मैं आपको रिटन नोट्स दूंगी. ठीक है,